1903 में जब राइट ब्रदर्स ने दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज का आविष्कार किया तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि अब इंसान भी आसमान में तैर सकेंगे। लेकिन 1965 में जब कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर खुदाई का काम कर रहे थे तो उन्हें एक जमीन में गड़ी हुई एक संदूक मिली जिसमें कई सारी ज्वेलरीज और कई सारे आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए थे और उसमें एक ऐसी भी चीज पड़ी हुई थी जिसने सारे ही आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि संदूक में मिले सारे ही आर्टिफैक्ट में एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जो कि बिल्कुल ही आज के मॉडर्न एरोप्लेन की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन 1000 साल पहले हवाई जहाज का तो आविष्कार नहीं हुआ था तो सभी ने सोचा कि ये शायद किसी परिंदे या फिर इंसेक्ट का ही आर्टिफैक्ट होगा। लेकिन जब इस आर्टिफैक्ट की डीप स्टडी की गई तो पता चला कि इस आर्टिफैक्ट में जो दुम है वो किसी भी इंसेक्ट या फिर परिंदे में नहीं होती है और इस तरह की दुम तो आजकल के मॉडर्न एरोप्लेन में ही देखने को मिलती है और सभी परिंदों के जो विंग्स होते हैं वो उनकी पीठ पर होते हैं, लेकिन इस आर्टिफैक्ट में जो विंग्स दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ लगे हुए हैं और इस तरह के विंग्स भी आजकल के मॉडर्न एरोप्लेन में ही होते हैं। तो क्या 1000 साल पहले ही हवाई जहाज का आविष्कार हो गया था ये कोई नहीं जानता है। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।